नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज बैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की मुख्य खबरें। लहू जो बह गया करबला में हुसैन का, शहादत देकर भी जिंदा रखा इस्लाम दुनिया में। इमाम हुसैन एवं उनके 72 जानिशारों की शहादत का दिन आज मुहर्रम की आज 10 तारीख है। आज के ही दिन नवासे रसूल इमाम हुसैन व उनके 72 जानिशारों ने इस्लाम के खातिर करबला के मैदान में अपनी शहादत दी थी। इस्लामी कैलेंडर के अनुसार इसी महीने नए साल की शुरुआत होती है। मुहर्रम की 10 तारीख को करबला के मैदान में हक और बातिल की जंग हुई थी। बता दें कि इस्लाम धर्म के मुताबिक नए साल की शुरुआत मुहर्रम के महीने से होती है। इसी महीने में इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी और वो करबला के मैदान में शहीद हुए थे। मुस्लिम समाज के लोग हर साल मुहर्रम के 10वें दिन, जिसे रोजे आशुरा कहते हैं, इमाम हुसैन की शहादत की याद में ताजिया और जुलूस निकाले जाते हैं। रीवा के इतिहास में पहली बार 1758-59 ईस्वी में ताजिया बनाने के साथ ही मुहर्रम का जुलूस निकाला, जो मुगलों द्वारा निकाला गया था। बता दें कि मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना होता है और ये महीना इस्लाम में गम और मातम का महीना माना जाता है, जिसे मुस्लिम संप्रदाय के लोग मनाते हैं। मुहर्रम बकरीद के ठीक 20 दिन के बाद मनाया जाता है। मुहर्रम के त्यौहार को इस बार बड़ी सादगी के साथ मनाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं नगर निगम, विद्युत मंडल सहित विभिन्न विभाग अपने अपने कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज शाम को ताजिया का जुलूस कोतवाली थाने के समीप शाह बोलन शाह की मजार के पास से होते हुए छोटी दरगाह तक पहुंचेगा। प्रस्तुत है शहर काजी मुफ्ती मुबारक मोहम्मद अजहरी से प्राप्त जानकारी के अंश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम का जो महीना है वो इस्लामी हिजरी कैलेंडर का सबसे पहला महीना है। इसी से इस्लामी साल की शुरुआत होती है। मुहर्रम का जो आशूरे का दिन है, यानी 10 मुहर्रम आज का जो दिन है, उस दिन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अक्सर नबियों और रसूलों को फ़ज़ीलत अता फ़रमाई है। जैसे कि आदम अलैहिस्सलाम की तौबा इसी दिन कबूल हुई, यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से इसी दिन बाहर निकाला गया, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं से बाहर निकाला गया, सुलेमान अलैहिस्सलाम को रूए ज़मीन की सल्तनत अता की गई। इसी तरीके से दीगर वाक़ियात 10 मुहर्रम अलहराम यौम आशूरा को वाक़ हुए। आशूरे के 10 मुहर्रम की जो तारीख है, इसी दिन करबला की सरजमी पर अपने 72 साथियों के साथ नवासे रसूल सैयदुश्शहदा इमाम हुसैन अली मक़ाम रदी अल्लाह ताला अन्हु को भी ज़ुल्म सितम के साथ उनको शहीद किया गया। इस नस्बत से इस माह मुबारक को इमाम हुसैन से भी एक अहम नस्बत है, और उसी नस्बत के तौर पर मुसलमान इस महीने में इमाम हुसैन के नाम से फ़तह खानी कराते हैं, उनके नाम से लंगर खिलाते हैं, लोगों को सबीले लगाते हैं, शरबत पिलाते हैं, और हर तरीके से इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के जो वाक़यात करबला में हुए, उन पर जो 3 दिन से लगातार पानी बंद कर दिया गया था, उनके घर वालों पर, नन्हे नन्हे बच्चों पर, 6 महीने के अली असगर पर जो जुल्म किए गए, उनके हलकों पर तीर जो है बरसाए गए, ये सारे वाक़यात जो हुए वो आवाम तक ये बातें बताई जाती हैं, पहुँचाई जाती हैं, और हक़ और बातिल यानी सच्चाई और झूठ के दरमियान का जो फ़र्क है, वो इमाम हुसैन ने करबला की सरजमी पर अपने तमाम साथियों को शहीद करके ये दर्स दिया है। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि ये इमाम हुसैन ने दुनिया को बताया है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमेशा जंगें तलवारों की बुनियाद पर नहीं लड़ी जातीं, बल्कि इंसान अपना सब कुछ कुर्बान करके भी जंग जीत जाता है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में इमाम हुसैन का नाम जो है बड़े फ़ख्र से लिया जाता है, लेकिन यजीद का नाम लेवा कोई नहीं है। जुलूस भी निकाला जाता है, इसी दिन जुलूस निकलता है। अपने शहर में भी अमन व सुकून के साथ जुलूस निकलेगा, किसी तरीके की कोई ऐसी बात नहीं होगी। और मैं गुजारिश करूँगा अपने तमाम भाइयों से, मुस्लिम भाइयों से, कि वो अमन व सुकून के साथ, अमन व शांति के साथ इस मुहर्रम शरीफ के जो अय्याम हैं, जो इस महीने में जो भी आपको काम अंजाम देने हैं, उन्हें इस तौर पर अदा करें कि किसी को भी किसी तरीके की कोई तकलीफ़ ना हो। शासन प्रशासन का पूरा सहयोग दें, और अपने दीगर कौमी भाइयों और यहाँ हिंदुस्तान में रहने वाले दीगर धर्म के लोगों का भी एहतराम बरकरार रखें।
रीवा में भाजपा के युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष ऋतुराज चतुर्वेदी की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में युवा नेता अपने साथियों के साथ मिलकर सैलून संचालक की जमकर मारपीट करते नजर आ रहे हैं और दुकान का सामान भी तोड़ दिया गया है। ये वीडियो अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। एक तरफ जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुंडे बदमाशों को निस्तनाबूद करने की बात कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके ही पार्टी के नेता खुलेआम गुंडई कर मारपीट करते हैं। सोशल मीडिया में भाजपा नेता ऋतुराज चतुर्वेदी का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने साथियों के साथ एक सैलून की दुकान में घुसते हैं और रिटायर्ड आर्मी जवान एवं दुकान संचालक के साथ जमकर मारपीट करते हैं और दुकान में रखे सामान में भी तोड़फोड़ करते हैं। ये युवा नेता अपने को रीवा के कई बड़े नेताओं के करीबी बताते हैं। ये पूरी घटना रविवार के देर शाम की बताई जा रही है। शहर के मैया थाना क्षेत्र स्थित द बार्बर शॉप सैलून के संचालक के पुत्र और युवा नेता के बीच कुछ पुराना विवाद था। युवा नेता अपने साथियों के साथ सैलून की दुकान जाते हैं और मारपीट शुरू कर देते हैं। मारपीट वीडियो दुकान में लगे CCTV में कैद हो जाता है, जो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वहीं घटना का वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले में एडिशनल SP अनिल सोनकर का कहना है कि पुरानी रंजिश के चलते ये विवाद हुआ है। इस मामले में मैया थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। थाने में 452, 254, 323 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है। प्रस्तुत है दिनेश कुमार मिश्रा, रिटायर्ड फौजी एवं दुकान संचालक तथा एडिशनल SP अनिल सोनकर से प्राप्त जानकारी के अंश। तकरीबन 6:20 पे मेरा नाम दिनेश कुमार मिश्रा है, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ और ये जो बार्बर शॉप सैलून है ये मेरे द्वारा संचालित है, जिसमें मेरे दो वर्कर भी रहते हैं। अचानक दो लड़के आए जिसमें एक का नाम है ऋतुराज चतुर्वेदी उर्फ बच्चू, भाजपा दीनदयाल मंडल का अपने आप को उपाध्यक्ष बताता है, पदाधिकारी भी है, और उसके साथ दूसरा अनुराग मिश्रा कांचा करके एक लड़का आया और उन लोगों ने डायरेक्ट हमारी दुकान में तोड़ फोड़ और हमारे साथ हाथापाई मारपीट करके मेरा जो है तो पूरा तहस नहस कर दिया। इसकी शिकायत मैंने थाने में दर्ज करवाई है। विवाद क्या है? विवाद मुझे नहीं पता, मेरा किसी से कोई विवाद नहीं है। जो कुछ हो रहा है बच्चों के बीच में है और उसके चक्कर में मेरे साथ हाथापाई की गई। ये वीडियो जो है पुरानी रंजिश को लेकर के आपस में विवाद किए थे, जिसमें दुकान में घुस करके मारपीट की गई है। इस पर थाना मैया में 452, 294, 323 का अपराध पंजीबद्ध है और विवेचना की जा रही है। कौन है सर मारपीट करने वाले को चिन्हित है? वो जो वीडियो में है उनको चिन्हित किया जाएगा, जो होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भाजपा के पदाधिकारी बताए जाते हैं, वो जो भी कोई भी होंगे जो अपराध करेगा उसको उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किशोरी से गैंगरेप, भारतीय जनता युवा मोर्चा का पूर्व मंडल अध्यक्ष गिरफ्तार, 4 आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराई गई थी शिकायत। बता दें कि रीवा जिले के मऊगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती ने गैंगरेप की FIR दर्ज कराई है। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सुरेश पांडे को गिरफ्तार कर लिया है, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के सीतापुर मंडल का पूर्व अध्यक्ष बताया गया है। वह जनपद सदस्य का चुनाव भी लड़ा था, जिसमें वह हार गया। दुष्कर्म मामले में 3 अन्य आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। आरोप है कि 18 वर्षीय युवती बीते माह घर से लापता हो गई थी। युवती अब जब घर लौटी तो बताया गया कि उसके साथ दुष्कृत हुआ है, जिस पर परिजन के साथ थाने पहुंच रविवार की रात को रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। युवती ने पुलिस को बताया कि शादी का झांसा देकर अमोखर थाना मऊगंज निवासी सुरेश पांडे 1 वर्ष पूर्व से बलात्कार कर रहा था। उसने आपत्तिजनक फोटो खींच रखे थे, जिसके बाद वह आए दिन उसे धमकी देता था और उसका शारीरिक शोषण करता था। बता दें कि रीवा जिले के मऊगंज थाना क्षेत्र की युवती के साथ गैंगरेप का मामला प्रकाश में आया है। सूत्रों की माने तो भाजीमों का पूर्व मंडल अध्यक्ष अलग अलग जगहों पर ले जाकर दुष्कर्म किया, साथ ही आपत्तिजनक फोटो खींचकर साल भर ब्लैकमेल करता रहा। दावा है कि सत्ताधारी दल के नेता के दबाव में FIR दर्ज नहीं की गई। थकार कर युवती ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन को अवगत कराया, तब कहीं जाकर आनंद फानन में FIR दर्ज की गई। इसके बाद युवती की MLC कराने के बाद भाजयुमयू नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता ने बताया कि वह मऊगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली है। करीब 1 साल से सीतापुर मंडल का पूर्व भाजयुमयू अध्यक्ष सुरेश पांडे निवासी अमोखर रेप कर रहा है।
महिला पुलिस अधिकारी को किशोरी ने अपने बयान में बताया कि 9 जुलाई की रात 1 बजे आरोपी बाजीमेओ नेता सुरेश पांडे घर पर आया, जिसने कुछ नशीला पदार्थ खाने के लिए दबाव बनाया। खाते ही बोला कि मेरे साथ चलो वरना जान ले लूंगा। यहां सुरेश पांडे सहित उसके भाई राजेश उर्फ पहलू पांडे और विपिन पांडे सभी निवासी अमोखर ने दुष्कर्म किया। दूसरे दिन आरोपी भाजीमेओ नेता उसे बाइक से गुजरात के सूरत ले गया, वहां 20 दिन तक एक कमरे में रखा। इस दौरान भी उसके साथ कई बार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है। प्रस्तुत है एसटीओपी मऊगंज नवीन दुबे से प्राप्त जानकारी के अंश। दिनांक 10/7/22 को एक फरियादिया थाना मऊगंज में आके इन्होंने बताया कि उनकी बच्ची कहीं चली गई है, उसका पता चल नहीं रहा है। तो इस आधार पर गुम इंसान कायम किया गया। 3/8/22 को लड़की थाने पे आई और उसने बताया कि वो कुछ साथियों के साथ में चली गई थी, अपने एक साथी के साथ में चली गई थी। और इसकी तस्दीक करने के बाद में उसे न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, वहाँ पर कथन हुए और उसके बाद में उसे वन स्टॉप सेंटर भेजा गया। दूसरे दिन आके उसने अपने परिजनों के साथ में थाने पे बताया कि वो काफ़ी दबाव में थी और उसके साथ में कई सारे लोगों के द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किया गया और वो काफ़ी डरी सहमी थी, इसीलिए उसने पुलिस को अपने बयान नहीं दिए। जिस आधार पर तत्काल पुलिस के द्वारा संज्ञान लेते हुए और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुनर्कथन कराए गए और उसके बाद में माननीय न्यायालय के समक्ष उसके कथन कराए गए और इसी आधार पर थाना मऊगंज में 366, 376, 376 डी, 344, 506 का अपराध पंजीबद्ध करते हुए अग्रिम विवेचना की जा रही है, जिसके अंतर्गत वर्तमान में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें कुल अभी तक 4 आरोपी हैं, जिसमें से एक आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है। बाइक से सूरत ले जाने का मामला है, इसमें बाइक से लड़की को उसके घर से रीवा तक ले जाने का मामला संज्ञान में आया है। इस आधार पर अभी बाइक को भी अग्रिम विवेचना में जब्त किया जाएगा और लड़की कहां कहां जाना बताया है उसकी चीज़ की भी तस्दीक की जा रही है, उन जगहों पे भी जाके जब्ती की जाएगी आवश्यक चीज़ों की। अल्प वर्षा से किसान त्रस्त, रीवा जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने पूर्व विधायक ने उठाई मांग। सुकेन सिंह बन्ना पूर्व विधायक ने कहा मऊगंज को जिला बनाने अब होगा उग्र आंदोलन। बता दें कि रीवा जिले में इस वर्ष अल्प वर्षा के कारण किसान निराश हो चुका है। किसान अपनी बची हुई पूंजी खेतों में लगा चुके हैं, ऐसे में बारिश न होना किसान के जीवन पर संकट मंडरा रहा है। पूर्व मऊगंज विधायक सुकेन सिंह बन्ना ने कहा कि रीवा जिले में बारिश न होने के कारण रीवा जिले को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। इस दौरान सुकेन सिंह बन्ना ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि गलत जानकारियां भरकर रीवा जिले को एक बार फिर सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रीवा जिले को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया तो वह उग्र आंदोलन करेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान सुकेन सिंह बन्ना ने मऊगंज को जिला बनाने की भी मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि अभी तक शांतिपूर्वक मऊगंज को जिला बनाने की मांग उठाते रहे हैं, लेकिन अब यदि सरकार अपने वादों से पीछे हटती है तो मऊगंज की जनता सड़क पर उतर कर उग्र आंदोलन करेगी। बिजली की समस्या को लेकर भी पूर्व विधायक ने सरकार को चेतावनी दी है। प्रस्तुत है पत्रकार वार्ता के अंश। सर्वप्रथम आज विश्व आदिवासी दिवस है। इस विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर समस्त अपने आदिवासी भाइयों को अपनी तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से, अपने साथियों की तरफ से, अपने जिले की तरफ से, अपने क्षेत्र की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही आदिवासी समाज के चाहे बिरसा मुंडा रहे हों, चाहे रानी दुर्गावती रही हों, और तमाम क्रांतिकारी आदिवासी समाज के नेताओं जो भारत के निर्माण में उन्होंने अपना अमूल्य सहयोग दिया, उनको मैं अपनी ओर से नमन करता हूँ। इस वर्ष भी हमें पता चल रहा है कि सर्वे का काम चल रहा है, बशर्ते रीवा कलेक्टर के द्वारा गलत जानकारियाँ निचले स्तर से हर तहसीलों से मंगाई जा रही हैं और जो वर्षा जहाँ नहीं हो रही है वहाँ ज़्यादा आंकड़े पेश करके मात्र इसके लिए कि जिला सूखाग्रस्त घोषित नहीं। आप सबके माध्यम से मैं कलेक्टर रीवा को, सरकार को चेताना चाहता हूँ कि इसकी लड़ाई तो हम लड़ेंगे ही, लेकिन अभी फिलहाल जो सर्वे का काम चल रहा है, जो आंकड़े मंगाए जा रहे हैं बारिश के, वो सही आंकड़े पेश करें और रीवा जिला को सूखाग्रस्त घोषित करें, अन्यथा हम लोग कभी भी लड़ाई के लिए तत्पर रहेंगे। दूसरी बात, इस समय क्षेत्र में बिजली की व्याप्त समस्या है। कल मऊगंज से इतने फोन आ रहे थे कि मऊगंज की आम जनता एकदम तड़प में थी। हमको लग रहा था हमें रात को ही बिजली ऑफिस जाए, लेकिन कुछ हमारे साथियों ने बिजली ऑफिस पहुँच करके
दबाव बनाया, उनसे लड़ी, लड़ाइयाँ लड़ी, तब जा कर के बिजली चालू। कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने चुनाव के समय मऊगंज को जिला बनाने की घोषणा करी थी, उस बात का वो पालन तत्काल करें, अन्यथा किसी भी समय मऊगंज की जनता जनार्दन के साथ हम लोग जिला बनाने की मुहिम पर चल तो रहे ही हैं, लेकिन कड़ा आंदोलन, कड़ा रुख अपना सकते हैं, इसकी जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। पुलिस चौकी के आरक्षक पर महिला ने लगाया रिश्वत लेने का आरोप, वीडियो हुआ वायरल। मारपीट की शिकायत दर्ज कराने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप। बता दें कि रीवा के नवस्था में मां बेटे के साथ हुई मारपीट के मामले में फरियादी महिला ने शिकायत दर्ज कराने के नाम पर पुलिस चौकी में पदस्थ आरक्षक द्वारा रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। फरियादी महिला ने आरक्षक द्वारा मांगी गई रिश्वत लेने का वीडियो भी बनाया है, जिसे सोशल मीडिया में वायरल कर दिया गया है। महिला ने रिश्वत देने के बाद भी कार्रवाई ना होने पर आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और अधिकारियों से इसकी शिकायत दर्ज कराई है। एडिशनल एसपी ने पीड़ित महिला को आश्वस्त किया और आरक्षक पर लगे आरोपों की जांच करने की बात कही है। दरअसल मामला शहर के चोरेटा थाना क्षेत्र अंतर्गत नौवस्ता पुलिस चौकी का है, जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची फरियादी महिला पुष्पा सिंह ने बताया कि बीते दिवस कुछ स्थानीय सरंगों द्वारा उसके पुत्र व महिला के साथ मारपीट की गई थी। फरियादी महिला जब नौवस्ता पुलिस चौकी पहुंची तो वहां शिकायत दर्ज कराने के नाम पर पैसों की मांग करने लगे। आरोप है कि चौकी में पदस्थ आरक्षक सुरेंद्र सिंह परिहार ने 4,000 रुपयों की मांग की, जिस पर महिला ने सिर्फ 1,000 देते हुए मोबाइल पर वीडियो बना लिया। महिला का आरोप है कि पुलिस चौकी में शिकायत को 10 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और चौकी में पैसों की मांग की जाती है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुँच कर की है। बता दें कि इस वायरल वीडियो में आरक्षक घर के कपड़े और हाफ चड्ढे में नजर आ रहा है। ऐसे में पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। प्रस्तुत है शिकायतकर्ता महिला पुष्पा सिंह एवं एडिशनल एसपी अनिल सोनकर से प्राप्त जानकारी के अंश। हमारा नाम साहब पुष्पा सिंह है। आज एसपी ऑफिस में शिकायत कर रही है, क्या घटना हुई है? हाँ, घटना हुई है कि जागेश्वर सोनी हमारे लड़का के साथ रहता था, अपना ही पैसा देता था और वो पिलाता खिलाता था, वही पैसा आप खा लेता था। फिर हमारे लड़का से बोला मेरा पैसा 4,000 हो गया है, अब मेरा पैसा दे। मेरा बच्चा बोला भैया मेरे पास अभी पैसा नहीं है, हम जाएंगे परदेश तो ला के देंगे तुमको पैसा। तो बोला जो कुछ मिला है तुम्हारे घर में अपने मम्मी के पास जो था उसी ला के अभी दे दे हमें, फिर जब तुम्हारी मम्मी का जेवर हम वापस कर देंगे, जब तू मेरा पैसा दे देगा 4,000 तो मैं दे दूँगा। तो फिर हमें जब पता चला हम वहाँ गए चौकी, चौकी में भी अपना रिपोर्ट दर्ज करवाए, यहीं नवस्ता चौकी में। तो वहाँ से बोले कि तुम ठीक है, अभी हम बोले कि ठीक है हमारा पैसा देने के लिए बोल रहा है जेवर, जब वो हम जिस दिन के लिए वादा किया बच्चे को पैसा देकर हम 4,000 के जगह में 6,000 दिए। हमारा बच्चा पैसा लेके गया तो वो पैसा तो ले लिया, खाया पिया और बोला ठीक है मैं लाता हूँ, चल नदिया के पास वहीं खड़ा रहेगा हम ला के तुम्हें देगा। वो बोला हमारा लड़का नहीं, वहाँ काहे के लिए ले जा रहे हो। कुछ दूर गया फिर खड़ा रहा, फिर पता नहीं वो कहाँ तक गया, फिर लौट के आया। जब मेरा बालक बोला अंकल जी दो ना हमारा चीज़, बोला क्या दिया था हमने? लेकिन जब मेरा बालक मांगा पैसा तो बोला कहाँ का तुम्हारा, हम नहीं लिए हैं कुछ। फिर हमारे बच्चा को मारे पीटे। हाँ, जब हम थाने गए रिपोर्ट करने तो मेरे से पैसे के द्वारे मांग की गई, 5,000 मांगे। सुखेंद्र सिंह परिहार, सुखेंद्र सिंह परिहार मुंशी में है। तो मैं 1,000 दी, हमारे पास हम बोले हमारे पास पैसा नहीं है, तो ऐसे करके बोले 4,000 हमें और चाहिए। उसका हम वीडियो भी बनाए हैं, हम गरीब दो पैसे की सब्जी बेचते हैं, हम चाहते हैं। आज 10वां दिन है उनके, उन आरोपी आवारा घूम रहे हैं, तो हम इंसाफ चाहते हैं कि उनके लिए हम औरत को हम गए मारें जैसे बीच चौराहा में, तो उनको दंड मिले। ये एक शिकायत पत्र प्राप्त हुई है, इसके लिए जांच के लिए दिया गया है। वीडियो में अस्पष्ट चीज़ें हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी, जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा चाहे वो पुलिस का भी कर्मचारी हो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर थाने में वर्दी में भी नहीं है जबकि हाफ पैंट में घूम रहे हैं, क्या ये सब चीज़? ये जांच का विषय है, यदि कौन था वो, कौन हाफ पैंट में है और बिगर वर्दी के है पुलिस में और किन परिस्थितियों में है वो, तो इस जो भी
चीज़ सामने आएगी और वो यदि उनकी लापरवाही उपेक्षा या कर्तव्य के प्रति जो है अरुचि दिखेगी उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। वोटर आईडी को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया को प्रशासन ने दी गति। जन जागरूकता अभियान के साथ प्रशासनिक अधिकारी पहुंचने लगे लोगों के बीच। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के बाद वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया रीवा जिले में तेज कर दी गई है। ई वोटर आईडी के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए खुद प्रशासनिक अधिकारी सड़क पर उतर चुके हैं। जिले के विशिष्ट लोगों की सहायता भी ली जा रही है जिससे जन जागरूकता अभियान में तेजी आ सके। भारत निर्वाचन आयोग का मानना है कि वोटर आईडी कार्ड का आधार कार्ड से लिंक हो जाने के बाद ये एक पुख्ता एविडेंस हर नागरिक के पास होगा, साथ ही चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता भी बनी रहेगी। प्रशासन की ओर से वोटर आईडी कार्ड बनाने की गति तेज कर दी गई है। आज एसडीएम अनुराग तिवारी एवं तहसीलदार यतीश शुक्ला सहित बीएलओ शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते नजर आए। इस दौरान वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर गीता बनर्जी के द्वारा नगरवासियों को यह संदेश दिया गया है कि ई वोटर आईडी कार्ड से जुड़कर देश की उन्नति में सहयोग करें। आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से ई वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए जहां वार्ड वार्ड बीएलओ तैनात किए गए हैं, तो वहीं ई वोटर कार्ड की सुविधा भी पोर्टल में उपलब्ध करा दी गई है जिससे जागरूक नागरिक खुद ही अपने आप को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। प्रस्तुत है वरिष्ठ चिकित्सक गीता बनर्जी एवं डॉक्टर अनुराग तिवारी एसटीएम हुजूर से प्राप्त जानकारी के अंश। बनर्जी, आज ही मैंने अपना आधार कार्ड वोटर लिस्ट से लिंक कराया है और मेरे घर के जितने भी सदस्य हैं सबका आधार कार्ड वोटर कार्ड से लिंक हो गया है। मुझे आप सब लोगों से ये निवेदन है कि आप भी सब लोग मिलके अपना आधार कार्ड वोटर कार्ड से लिंक करवा लीजिए जिसमें कि शासन को बहुत सुविधा रहेगी। आधार कार्ड से लिंक करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? ये भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार हम लोग जिला निर्वाचन अधिकारी के और कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं जिसमें सभी जो वोटर्स हैं वो अपने वोटर आईडी को आधार से लिंक करा सकते हैं। ये पूरा अभियान चल रहा है। इसके तहत रीवा विधानसभा के अंतर्गत और गुड़ विधानसभा के अंतर्गत मैं रजिस्टर करने अधिकारी हूँ और हम लोग ये आज फील्ड में आकर और बीएलओ द्वारा किए जा रहे जो काम है उसका निरीक्षण भी किया और जहाँ पर परसेंटेज कम है उसको हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और ये सभी आज हम डॉक्टर बनर्जी यहाँ हैं, इनके यहाँ पर आए हैं और सभी से इनके द्वारा अपील भी की गई है कि सब लोग अपना आधार कार्ड जो है उसको वोटर आईडी से लिंक करें ताकि भारत सरकार का जो ये भारत निर्वाचन आयोग का जो प्रयास है ये सफल हो पाए। अभी क्या स्थिति है, अपने स्टेटस क्या है? अभी स्टेटस ये है कि कुल 217,000 हमारे यहाँ वोटर हैं लेकिन बहुत कम संख्या में लोगों ने ये कराया है। इसको हम BLO ऐप के माध्यम से और ख़ुद भी वोटर MDPS पोर्टल के माध्यम से लिंक कर सकता है। अभी 10,000-11,000 का डेटा है हमारे पास जो लिंक हो पाया है। इससे सुविधा क्या मिलेगी हम जनता? सुविधा ये हो जाएगी कि आगे आने वाला जो ये जो ई वोटर कार्ड की जो कॉन्सेप्ट है उस पर आगे सुविधा होगी और भी भारत निर्वाचन आयोग के जो प्रयास होंगे इसमें वो सफल हो पाएंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।